हाय फ्रेंड्स, रिकास वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं बहुत ही यूनिक आइडिया। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, और आई होप सब लोग अच्छे से दिवाली मनाएं। और जैसा कि हम लोग को पता है, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट का मतलब है जैसे कि हर एक घर, हर एक शॉप्स डेकोरेशंस होता है, लाइट्स लगे हुए होते हैं, जिससे दिवाली जो है बहुत ही एक ब्राइट वाला फेस्टिवल है। हर तरफ लाइट वगैरह हमको देखते हैं, और अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग तरह के लाइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। सो हर एक शॉप्स हाउस डेकोरेटेड होते हैं लाइट से। तो वैसे ही आज हमको एक हम आपको एक यूनिक आइडिया बताने वाले हैं लाइट का। दैट मीन्स हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप चकोतरा, जो जिसको हम पोमेलो भी बोलते हैं, उसका लाइट हम बनाने वाले हैं फ्रूट लाइट। फ्रूट लाइट ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये है चकोतरा जिसको हम लोग खाते हैं। ये एक बहुत ही जूसी वाला फ्रूट है, इसको पोमेलो भी बोलते हैं और हिंदी में इसको चकोतरा बोलते हैं। ये एक बहुत ही जूसी फ्रूट है जिसको लोग बहुत ही पसंद करते हैं, जो विंटर सीजन्स में हम लोग को मिलता है। सो इससे हम बनाने वाले हैं दिवाली का लाइट। तो कैसे बनाने वाले हैं ये हम आपको दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस, बनाते हैं चकोतरा के छिलके से दिवाली लाइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी तरीके से आपको जो है पोमेलो को काटना है। बहुत दबा के भी आपको नहीं काटना है, और आपको थोड़ा थोड़ा गैप दे के यहाँ पे इसको कट करना है। सिर्फ जो छिलके हैं उसी को काटना है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे कट रहे हैं इसको। तो उसके बाद आपका जो थंब फिंगर है, उससे आप जो सिल्के हैं उसको, जो भीतर में फ्रूट रहता है, उससे साइड करना है। मतलब आप जो छिलके हैं उसको लूज़ करते जाइए, ताकि जो अंदर फ्रूट है वो आसानी से बाहर आ जाए। जब आप छिलके को, फ्रूट को निकालो, छिलके को ऐसे जब लूज़ करो, तो ध्यान रखिए कि छिलके जो है एकदम से ना निकल जाए। सो ऐसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इस तरीके से जो है उसका भीतर फ्रूट होता है। तो उसको निकाल लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम यहाँ पे तार यूज़ किए हैं। आप ऐसे ही तार यूज़ करके, जैसे हम लोग कपड़े सीते हैं, इस तरीके से इसमें आपको अच्छे से तार को लगा लेना है, ताकि जो छिल गैप है वो निकल ना जाए। और फिर इसके अंदर आप कैंडल रख सकते हो। कैंडल रख के ऊपर का जो ढक्कन है, उस ढक्कन के शेप में जो काटा है, इसको इससे लगा देना है। सो गाइज, आपने देखा कैसे हमने चकोतरा के सिल्के से बनाया दिवाली लाइट। तो आप भी दिवाली का ये यूनिक लाइट बना सकते हो और अपने घर को सजा सकते हो। कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हो, जैसे कि आपके जो पूजा घर होते हैं वहाँ आप हैंग कर सकते हो, या तो जो आप लोग के घर का एंट्रेंस है वहाँ पे भी आप इसको जो है हैंगिंग कर सकते हो। बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। और गाइस, हमने तो यहाँ पे जो है मोमबत्ती यूज़ की थी, तो आप यहाँ पे जो एलईडी वाला जो लाइट आता है वो
भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो वो वाला लाइट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप वो लाइट यूज़ करते हो तो क्या होगा, जो चकोतरा है वो जलेगा नहीं। हमने जो कैंडल यूज़ किया था, कैंडल यूज़ करने से क्या होता है, जो इसके छिलके होते हैं वो भी जल जाते हैं। बट अगर आप वो वाला लाइट यूज़ करते हो, वो कैंडल यूज़ करते हो लाइटिंग कैंडल, तो जो है ये जलेगा नहीं और बहुत ही देर तक लॉन्ग लास्टिंग वाला है, ख़राब नहीं होगा जल्दी से और बहुत देर तक वो चलता रहेगा। सो गाइज, होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।